बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, मिड टर्म के लिए एक मैंने वीडियो तैयार की थी, जिसमें मैंने सारे जो हैंडआउट्स में से जो जो मैंने चीज़ें तैयार की थी उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दी थी कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर। तो उन स्टूडेंट्स का कहना है कि जो वीडियो मैंने तब बनाई थी उस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने बताई थी उन चीज़ों में से उनका पेपर आया है। कुछ का कंसेप्चुअल था पेपर, तो ये जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे सब जानते हैं, तो इसका पेपर जो होता है वो टोटली कंसेप्चुअल होता है। लेकिन बाय चांस होता होता है इस तरह से कि जो चीज़ें बुक में होती हैं वो उसी तरह से पूरी पॉइंट पेपर में डाल भी देते हैं, तो इस चीज़ को समझा जाता है कि उन्होंने पेपर ईजी बनाया हुआ था। लेकिन कभी कभार पेपर जो होता है वो टोटली कंसेप्चुअल होता है, मोस्टली कंसेप्चुअल ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का था कहना कि उनके पेपर में जो चीज़ें मैंने बताई थी वो हूबहू वही वाली पूरी पॉइंट आई हुई थी। तो उनके कहने पर मैं दोबारा फाइनल टर्म के लिए भी वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो 19 to 42 है। तो 19 लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें से जो भी मैंने शॉर्ट एमसीक्यूज़ और लॉन्ग जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते जाएं। अगर आप लोग इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर लेंगे साथ और इन्हीं चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि जो चीज़ें मैं हाईलाइट की हुई हैं उन चीज़ों को आपने अच्छे से याद करना है। लेकिन उसके अलावा आपने, अगर आपके पास टाइम है इतना, मीन्स कि आपने टाइम इतना बचाना है कि आपको तैयार करने के बाद आपने एक दफ़ा दोबारा उसको रीड आउट ज़रूर करना है, क्योंकि जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं उसके अलावा उनको तो याद करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपने एक दफ़ा ज़रूर सारे बुक को रीड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा रिसर्च डिज़ाइनिंग। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपको, एमसीक्यूज भी बन सकता है इसमें से और शॉर्ट भी, ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ जो जो चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेटरी स्टडी, और ये चीज़ें तो आई थिंक मैंने मिड में भी बताई थी, या शायद 18 था लेक्चर, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन देख लें आप। ये वाली चीज़ें मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं पहले भी, शायद मैंने वीडियो बनाई थी तो इस वजह से उसमें थी ये सारी चीज़ें। ये पहले भी हमने पढ़ी हैं, या इससे पहले चैप्टर जो हमने पढ़े थे शायद उसमें भी थी, तो इसमें दोबारा रिपीट हो रही हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को देख लें, ये हमसे यूज़ के तौर पर आ सकती हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन स्टडी, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इन दोनों में ना डिफरेंस आता है, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपको, और अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी। रिसर्चर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स हैं इसमें से, ये एक एमसीक्यूज़ बन रहा है। नॉन कंट्राइट स्टडी क्या होती है, ठीक है, इसमें डेफिनेशन ऊपर राइट की हुई है, उसको आप देख लें। नेक्स्ट एक एम सी क्यूज़ फील्ड एक्सपेरिमेंट ये बन रहा है। उसके बाद है लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये एक्स पोस्ट फैक्टो जो डिज़ाइन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। सैम्पलिंग डिज़ाइन है, ऑब्जर्वेशनल टूल है। नेक्स्ट है फील्ड डाटा कलेक्शन है, डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा एनालिसिस, सर्वे रिसर्च एंड ओवरव्यू, और यहाँ पे स्टेप्स इन कंडक्टिंग आ सर्वे। इसमें से आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसमें से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके जो मेन पॉइंट्स है वो याद कर लें, और साथ में जो थ्योरेटिकल थ्योरी है जो एक्स्ट्रा दी हुई है थ्योरी, उसको आप जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेसन नंबर 20, सर्वे रिसर्च। एडवांटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। ये पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे लॉन्ग में आ सकते हैं। इसमें से कोई 3-4 पॉइंट भी अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो लॉन्ग आपका कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि टोटल ये 10 है, तो उसमें से 5 भी अगर आप लोग कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा खासा हो सकता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यूइंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसका एक मतलब डिफरेंस के तौर पे भी लॉन्ग बन सकता है इसमें से।
अक्सर अवकात वो क्वेश्चन MCQs इस तरह से बनाते हैं कि एडवांटेजेस बताएं इसमें से और ये डिसएडवांटेजेस बताएं, मींस कि वो MCQs अपने अपने तौर पर एक स्टेटमेंट बना देते हैं और फिर उसमें से एडवांटेज बताना होता है और डिसएडवांटेज बताना होता है। और ये आई थिंक कि ओवरव्यू उन्होंने बताया हुआ है कि सारे जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको। नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही बन सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी, कोशिश तो की है, बाकी मोबाइल के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ से MCQs बन सकता है, नेक्स्ट एक MCQs यहाँ बताया हुआ है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मेल क्वेश्चनियर, ये भी आया तो जस्ट कंसेप्चुअली आएगा आपको। आगे डिसएडवांटेजेस हैं, मींस के हर बार जो भी मतलब जिस तरह का भी हम सर्वे करेंगे उसमें से उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक तरह के सर्वे जैसे कि अगर मेल है तो अगर इसके एडवांटेज अगर हमें मिल रहे होंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे साथ। इसी तरह से इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स रेट है, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स रेट ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 22 है, ये पिछले ही चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। इसमें ना कवर लेटर वाला ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ MCQs के तौर पे आती हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं ये वाले क्वेश्चंस का ना वो खुद से क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट बना के ना तो वो पूछते हैं MCQs के तौर पे। फॉलोअप्स क्या होते हैं ये भी MCQs में आ सकता है। प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन क्या होती है, सर्वे स्पॉन्सरशिप क्या होती है, उसके बाद रिटर्न इनवाइट्स, ये सारे MCQs के तौर पे आ सकते हैं आपको, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट टोटल डिज़ाइन ऑफ एक्ट क्या होता है ये भी MCQs के तौर पे आपको आ सकता है। ईमेल सर्वे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्वे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सर्विस हैं, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो कि आपको लॉन्ग में आ सकता है। इस पैराग्राफ में जस्ट इन टू लाइंस में से MCQs बन सकता है, ओके। नेक्स्ट लेसन है हमारा लेसन 23 है, इसमें से सिर्फ आपको शॉर्ट और MCQs ही आएंगे, इसमें से लॉन्ग नहीं आ सकता आपको, ठीक है। और ये जो तीन मेन पॉइंट्स हैं इसके, इंटरव्यू शेड्यूल है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू गाइड है, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनियर डिज़ाइन, क्वेश्चनियर रेलिवेंसी क्या होती है ये भी शॉर्ट में है, क्वेश्चनियर एक्यूरेसी क्या होती है ये तो मस्ट है शॉर्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये बाई चांस ही पूछे जा सकते हैं आपको। ये जो अवॉइड ये जो अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन होते हैं ना, जो ये जो अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन हैं या फिर अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लोडेड क्वेश्चन क्या होता है, ये मुझे भी आया था। इन्होंने MCQs बनाए थे अपने से स्टेटमेंट बना के, उसमें से पूछा हुआ था कि इसमें से डबल बैरल कौन से हैं, लीडिंग क्वेश्चन कौन से हैं या फिर लोडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन टाइप्स के होते हैं, और इन टाइप्स में से आपको कोई भी टाइप MCQs के तौर पर पूछी जा सकती है। अवॉइड बर्डनिज्म क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी इसी की टाइप है। नेक्स्ट है अरेंज क्वेश्चन इन प्रॉपर सीक्वेंस के, ये इसमें से आपको जस्ट MCQs ही है, वंडर टेक्निक कौन सी होती है ये MCQs है इसमें। उसके बाद यूज़ फिल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडेड, ले आउट ऑफ द क्वेश्चन ईयर, इसमें से आपका शॉर्ट बन सकता है, ठीक है। ले आउट में से कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से देख लें आप। नेक्स्ट है लेसन 24, लेसन 24 में है पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन ईयर। पायलट टेस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो स्मॉल स्केल पे जो टेस्टिंग करते हैं ना उसको हम पायलट टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ओवरव्यू भी बोल सकते हैं कि जस्ट हमने ओवरव्यू देना होता है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं बताते। नेक्स्ट है इसके एस्पेक्ट बताए हुए हैं, रिएक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स को क्या होता है, इसमें से आपको डिस्कवरिंग एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट, इसमें से आपको ये जस्ट आप रीडिंग करेंगे इसकी, सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन बी चेक्ड, ये जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें इसको, ठीक है, और इसमें इतना खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लेसन 25, इंटरव्यूइंग क्या होती है, ठीक है, फील्ड वर्कर्स क्या होते हैं, उसके बाद हु कंडक्ट्स द फील्ड वर्क, इसमें से जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं मैं इनको साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते जाएँ और सिर्फ इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है।
बाकी आप जस्ट एज रीडिंग तैयार करें इसको। रोल ऑफ इंटरव्यू क्या होता है? स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू, ये जस्ट उन्होंने ना आपको स्केच बना के दिया हुआ है जस्ट, ठीक है, इसमें से आएगा कुछ नहीं आपको। आस्किंग द क्वेश्चन, ये भी कुछ नहीं है इसमें से। प्रोबिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेशन, एमसीक्यूज, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ओके। इसमें से है हिंट है सेवरल पॉसिबल प्रोबिंग, यहाँ से थोड़े से एक्सपेक्ट बताया मैं। रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सेज, मतलब कि जो हमने मेल जो भी सर्वे किया है उसके बाद, या जो इंटरव्यू हमने लिया है उस इंटरव्यू के बाद जो भी हमने, मतलब जो भी हमें रिस्पॉन्स मिले हैं उसको किस तरह से हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके जस्ट ये पॉइंट्स आप लोग तैयार करें। इसमें है रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यूज़ द रिस्पॉन्डेंट्स ऑन वर्ड्स, डू नॉट समराइज और पैराफ्रेज द रिस्पॉन्डेंट आंसर, इंक्लूड एवरीथिंग दैट पर्टेन्स टू द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूड ऑल योर प्रॉप्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग द बेसिक, ठीक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी आपको आपके आ सकते हैं, ठीक है, उसमें से एम सी क्यूज भी आ सकते हैं। इंटरव्यूइंग बायस क्या होता है, इंटरव्यू बायस यहाँ से इसके पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट हैं इसके, आप लोग अच्छे से देख लें इसको, ठीक है, जस्ट रीड आउट कर लें। इंटरव्यू बायस ये सिर्फ एम सी क्यूज में ही आएगा आपको। सिचुएशनल बायस क्या होती है, ठीक है, उसके बाद सम टिप्स फॉर इंटरव्यूइंग, इसमें से 4 पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रख लें आप लोग, हो सकता है एम सी क्यूज के तौर पर पूछ लें, क्योंकि टोटली पेपर जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है, उसको उनके दिमाग घूमने का कोई पता नहीं है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 26, हमारे पास सैम्पल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी है। इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन जो होती है वो आपको आनी चाहिए इसमें से। और नेक्स्ट है जी सेव्स कॉस्ट लेबर एंड टाइम, क्वालिटी मैनेजमेंट, सुपरवियन, एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स, ये जस्ट आप रीडिंग करें, ओके। इसमें से जस्ट आपको सैम्पल और पॉपुलेशन का पता होना चाहिए कि क्या होती है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी में है एलिमेंट क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन, जो पिछले पेज पे जस्ट आपको इसका पॉपुलेशन और सैम्पल का कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का, कि यहाँ से एलिमेंट, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इनमें से पूछा जा सकता है। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट क्या है, ऑब्जर्वेशनल यूनिट क्या है, पैरामीटर, इसमें से तो नहीं खाया लेकिन ये ऑब्जर्वेशन यूनिट क्या है, पैरामीटर, स्टेटिस्टिक्स, सैम्पलिंग एरर, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन 27 है, लेसन नंबर 27 में है प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग क्या होती है, उसके बाद कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होती है, ओपिनियन सैम्पलिंग, यहाँ से परपोजिव सैम्पलिंग में सिर्फ आपको ओपिनियन सैम्पलिंग के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें से बाइस आ सकता है आपको। स्नो बॉल सैम्पलिंग, इसमें ना मुझे याद है ये एमसीक्यूज मुझे आया था, उसमें ना उन्होंने स्टेटमेंट बनाई हुई थी एमसीक्यूज के लिए खुद से, तो स्टेटमेंट का पूछा हुआ था कि ये स्नो बॉल सैम्पलिंग है या नहीं है, ठीक है, इस तरह का एमसीक्यूज था। आगे सिक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होती है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, इसमें से आ सकता है आपको जस्ट एमसीक्यूज, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 27 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी पीछे वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को नॉन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग, ठीक है, इसमें से आपको ये डेफिनेशन आ सकती है, उसके बाद द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी टेक अ सैम्पल शुड बी होमोजेनस, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ओके। देन है हमारे पास द पीपल ऑफ पॉपुलेशन शुड हैव सम करेक्टरिस्टिक, उन करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनको जस्ट आप रीड आउट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल क्या होता है, इसमें से एडवांटेजेस आपको पूछे जा सकते हैं, बाई चांस ये किसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, लेकिन आ सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट है इसमें से भी जस्ट आपको, इट्स जस्ट फॉर रीडिंग, ठीक है। मल्टी स्टेजेस एरिया सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बाद डबल सैम्पलिंग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 29 डाटा एनालिसिस, इसमें से डाटा एनालिसिस, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बाद एडिटिंग क्या होता है, एडिटिंग इसके स्टेजेस आ सकते हैं आपको, कि एडिटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद फील्ड एडिटिंग क्या होती है, ठीक है, मीन्स के इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है, डाटा गैदरिंग में, एडिटिंग ऑफ कंप्लीटनेस, आइटम नॉन रिस्पॉन्स, एडिटिंग क्वेश्चन आंसर आउट ऑफ ऑर्डर, कोडिंग, यस,
दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, कोडिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें है फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कोडबुक क्या होती है, कोडिंग प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इवन के शॉर्ट भी, ठीक है। उसके बाद कोड कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसको किस तरह से किया जाता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग बताया हुआ है, इसकी टाइप बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट क्या होती है, ठीक है। ये हमें क्यूजेज में भी ये पूछा गया था, ये क्यूज भी आया था इसका। और नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये भी क्यूज में आया था, ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कोडिंग, फिर डाटा एंट्रीज। डाटा एंट्रीज में ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम क्या होता है, क्लीनिंग डाटा क्या होती है, ठीक है। इसमें से सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 30, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमने डाटा गैदर किया था, उसकी कोडिंग की थी, एडिटिंग वगैरह की थी, अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है डाटा को, ठीक है। कहता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म टू द फॉर्मेट दैट इज मोर सूटेबल टू परफॉर्म अ डाटा एनालिसिस दैट विल अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों की जाती है, ठीक है। इसके बाद है कोलैप्सिंग और कंबाइनिंग द कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल्स, उसके बाद क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है इंडेक्सेस क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं। स्केल और इंडेक्स के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट भी बन सकता है इसमें से। इंडेक्स क्या होता है, स्केल क्या होता है, यूनिडाइमेंशनलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें से ये सीपीआई क्या है, इसका आपको मतलब एब्रिविएशन पूछ सकते हैं कि ये क्या है, और इसमें मतलब एमसीक्यूज बना के तो आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडेक्स में बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है पास। नेक्स्ट लेसन नंबर 31 है हमारे पास डाटा प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये अब हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है, लेकिन अब हमने डाटा को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है कि हमने डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, डाटा प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, ठीक है। और चार्ट्स में भी काफ़ी टाइप्स आ सकती हैं, उसमें से पाई चार्ट्स हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, कर्व्स हैं, डायग्राम्स हैं, पिक्टोग्राम्स, इनके नेम आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्रिविएशन आ गई आपको, ठीक है, इनकी। उसके बाद ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज बन सकता है इसमें से, ये शॉर्ट भी बन सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या है, बाईवेरिएट टेबल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिंग परसेंटेज टेबल्स, इसको जस्ट रीडिंग करें आप, बाईवेरिएट टेबल्स को अच्छे से देख लें और इसकी जस्ट रीडिंग। नेक्स्ट है लेसन 32, द पार्ट्स ऑफ द टेबल। इसमें जो पार्ट्स ऑफ द टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आ सकते हैं, और इवन के यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। क्यूज आए थे जब मैंने अपना क्यूज अटेम्प्ट किया था, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे, ठीक है। और पेपर में भी ये आ सकता है, ओके। इसमें से टेबल क्या होता है, टेबल के कॉन्टेक्स्ट बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सिंपल वे टू स्टोरिंग रिलेशनशिप इज टू सर्कल द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ईच रो, मतलब कि ये तरीका कर बताया हुआ है कि टेबल में किस तरह से जो डाटा है उसको अरेंज करना है। उसके बाद स्टेटिस्टिकल कंट्रोल है हमारे पास, रिसर्चर कंट्रोल्स फॉर द थर्ड वेरिएबल बाय सीइंग वेदर द बाईवेरिएट रिलेशनशिप परसिस्ट विद इन द कैटेगरीज ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट है जी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इसको एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लें आप। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 33 है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसमें से भी जो जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, मैं साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स और टेस्ट यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये आपको जस्ट एमसीक्यूज आएगा, इसमें से आपको एमसीक्यूज इस तरह से बन सकता है कि स्टेटमेंट देंगे तो आपको ये पूछेंगे कि आप ये बताएं कि इसमें से ये एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है या कौन सा नहीं है। ट्रीटमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसको आप देख लें क्या होता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए, ठीक है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, क्यूज में भी आया था, और एमसीक्यूज में आया था पेपर में, और शॉर्ट भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है जी असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम असाइनमेंट क्या होती है, मैचिंग
इसमें से जस्ट मैचिंग का देखें कि मैचिंग क्या होती है। नेक्स्ट है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज आल्सो नोन एज ट्रीटमेंट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट आर कॉल्ड द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, ये शॉर्ट में ही आ सकता है आपको कि ट्रीटमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं। होल्डिंग कंडीशनल कॉन्स्टेंट, इसमें से जस्ट आप देख लें रैंडम सिलेक्शन क्या है और मैचिंग क्या है। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट इज़ अ मेथड फॉर असाइनमेंट केसेस। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग, मैचिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें से इसकी डेफिनेशन देखें जस्ट। उसके बाद है लेसन नंबर 34 है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इसमें टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता हो केस, उसके रिलेटेड आपने छोटे से केस को स्टडी करना होता है, देन आप जो आपकी असल प्रॉब्लम होती है उसके क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से कुछ भी फास्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन 35 है, लेसन 35 में है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि कंटिन्यू है पिछले चैप्टर से। तो इसमें से आप देखें वेरिएबल्स का बताया हुआ है, एक्सटर्नल वैलिडिटी बताई हुई है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फैक्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास हिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके बाद मैच्योरेशन ऑफ फैक्ट क्या होती है, मैच्योरेशन होती है कि जो जो वक्त गुजरता जाता है हमारे जो भी हमने रिजल्ट बनाए हुए हैं उनमें चेंजिंग आती है या नहीं चेंजिंग आती। ठीक है, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन ऑफ फैक्ट। उसके बाद है टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं, प्री टेस्ट क्या होता है, पोस्ट टेस्ट क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू के तौर पे आता है। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन अफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखें, सिलेक्शन बायस अफेक्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल रेग्रेशन क्या है, मोर्टैलिटी, ये एमसीक्यू के तौर पे मुझे आया था। ठीक है, मोर्टैलिटी क्या होती है, स्टेटमेंट बना के उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट मैकेनिकल लॉस क्या होता है। ठीक है, कि जो भी हम लोग इक्विपमेंट या जो भी टूल्स वगैरह हम लोग अपने प्रोसीजर में यूज़ कर रहे हैं ना, अगर वो फेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि मैकेनिकल लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इट इज़ अ डबल ब्लाइंड बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट्स एंड दोज इन द कॉन्टेक्ट विद देम आर ब्लाइंड टू डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको शॉर्ट में भी, और एक्सटर्नल वैलिडिटी इसके बारे में पूछा जा सकता है, रिएक्टिविटी अ थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें हाईलाइट की हैं जस्ट उनको आप लोग अच्छे से देखें। एथिकल इश्यूज इन द लैब एक्सपेरिमेंट, एथिकल इश्यूज़ के बारे में तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं कि हमने जो भी एथिकल इश्यूज़ के बारे में हमने जो मिड टर्म का सिलेबस था उसमें भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, तो इसमें भी आप लोगों को जस्ट पॉइंट्स का बताना चाहिए कि किन किन इश्यूज़ का एक्सपेरिमेंट लैब में हमें एथिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नॉन रिएक्टिव रिसर्च, इसमें आप देखें रिएक्टिव क्या होता है, नॉन रिएक्टिव क्या होता है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनअपोस्ट्रोफी मेजर्स क्या होती हैं, उसके बाद है इसमें जस्ट इतना ही है। ठीक है, आप जस्ट इसी को देखें, जस्ट रीड कर लें इसको, और इसमें है कॉन्टैक्ट एनालिसिस जो कि याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ फॉर स्टडी। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से देख लें, इसमें से एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टेक्सचुअल कोडिंग क्या होती है, डेफिनेशन बन सकती है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कैन बी स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जर्वेशंस कैन बी स्ट्रक्चर्ड, इसमें आपको फ्रिक्वेंसी क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, स्पेस क्या है, वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को बताना चाहिए आपको, और आप लोग इन्हीं चार पांच चीज़ों को अगर पॉइंट्स को अपने जेहन में रख के खुद से अगर एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका जो है वो, क्योंकि इसमें से ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बन सकता है। उसके बाद कोडिंग क्या है, मैनिफेस्ट कोडिंग क्या होती है, लेटेंट कोडिंग क्या होती है, ये भी डेफिनेशन के तौर पर बन सकती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्मेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ एनालिसिस, क्वेश्चन फॉर्मेशन नहीं लेकिन यूनिट ऑफ एनालिसिस में से आपको एमसीक्यूज में बन सकता है इसमें से। और नेक्स्ट है यहाँ पे एमसीक्यूज है आल्सो कॉल्ड कोडिंग और टैली शीट, टैली शीट और कोडिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेसन 37 जो कि है यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसमें से एडवांटेजेस क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिविटी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या है, इसको ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने पहले से भी देखी हुई हैं और इनको जस्ट आप लोग रीड कर लें। ठीक है, और इसमें से कुछ खास नहीं है, इसको जस्ट फॉर रीडिंग देखें। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन मान रही है कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन गैदर्ड बाय समवन अदर देन द रिसर्चर कंस्ट्रक्टिंग प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, उसके बाद है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी आप वैलिडिटी बताई हुई है, रिलायबिलिटी बताई हुई है। ठीक है, इसको जस्ट रीडिंग कर लें आप। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ फील्ड रिसर्च क्या होती है, इसमें से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कंसेप्ट है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है। लोकेशन और सेटिंग का बताया हुआ है, ठीक है। एथनोग्राफी क्या होती है, इसमें सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट है लेसन 39। लेसन 39 में है प्रिपेयर योर सेल्फ रीडिंग लिटरेचर। इसमें सिर्फ आप जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं जस्ट इनको आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लें। गेटकीपर क्या होता है, ठीक है। इज समवन दैट फॉर्मल अथॉरिटी टू कंट्रोल एक्सेस टू अ साइट, ठीक है। इसमें से ये है ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग द डाटा, वॉच लिसन एंड कलेक्ट क्वालिटी डाटा। इसको जस्ट रीडिंग करें, ठीक है। जो चीज़ें हाईलाइट की उनको अच्छे से याद करें। इसको जस्ट फॉर रीडिंग है। और यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका बन रहा है सर्वे इंटरव्यू क्या होता है और फील्ड इंटरव्यू क्या होता है। इसमें से डिफरेंस आपको आ सकता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी आ सकता है। इसको ज़रूर नोट डाउन करें। और साथ में इसका डिफरेंस के लिए आप लोग 10-10 दिए हैं, अगर 5-5 भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें से। इसको जस्ट फॉर रीडिंग देखें। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन 40। इसमें है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है। इवेंट्स ऑफ द पास्ट जो होते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्टोग्राफी क्या होता है, इज़ अ मेथड ऑफ डूइंग हिस्टोरिकल रिसर्च और ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल एविडेंस। इसमें एक डेफिनेशन आपको आ सकती है हिस्टोग्राफी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्चर्स आल्सो यूज HC मेथड जिसको हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। HC के बारे में आपको पता होना चाहिए कि HC क्या होता है। नेक्स्ट इसके हैं हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च फोकस ऑन, ये मेन पॉइंट्स हैं। इसमें से MCQs मस्ट आएगा आपको। उसके बाद है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च फॉलोज अ साइंटिफिक अप्रोच। नेक्स्ट जो MCQs बन रहे हैं इसमें से वो ये हैं कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च मोस्टली डू अ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस, ठीक है। एक और दूसरा है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च मेक क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन ऑफ द सोशल फॉर्म्स और इकोनॉमिक फॉर्म। नेक्स्ट है एग्जांपल दी हुई है इसकी, सोशल फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक फॉर्म्स और एंड आइडियाज। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट MCQs बन रहा है आपका। इन थ्री अदर स्टडीज वेबर कंडक्टेड डिटेल्स एनालिसिस ऑफ जूडाइज्म एंड रिलीजन्स ऑफ द चाइना एंड इंडिया, ये MCQs बन सकता है आपका। उसके बाद लॉजिक ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव अप्रोच में से आपको कंसेप्चुअल MCQs आएगा, ओके। उसके बाद है ऐसे कुछ MCQs हाईलाइट किए हुए हैं। इन पाकिस्तान द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी चेंज्ड फ्रॉम द व्हाट इट इज वाज इन द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 1951 एंड व्हाट वी हैड लेटर ऑन, ठीक है। इसका MCQs बन सकता है इसमें से। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है। इसमें से मैक्स वेबर यूज्ड द जर्मन टर्म वेस्टिंगहन अंडरस्टैंडिंग इन रेफरेंस टू एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ये MCQs है आपका। नेक्स्ट MCQs यहाँ से बन रहा है कि अ डिस्टिंक्ट HC अप्रोच बारोज फ्राम एथनोग्राफी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरिटीज टू फील्ड रिसर्च। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं उनको अच्छे से आप लोग देख लें। इसके जो जस्ट दो दो तीन तीन लाइन जो हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लें। यूनिक फीचर्स ऑफ HC रिसर्च क्या होती है, ये जो चीज़ें आपने पिछले पेज पे पढ़ी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये उसी को दोबारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास HC रिसर्च हैज़ एबिलिटी टू शिफ्ट बिटवीन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड अ जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट फॉर पर्पज ऑफ कंपेरिजन। नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 41 है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। ये पिछले चैप्टर से ही कंटिन्यू है। इसमें भी HC रिसर्चर के बारे में ही बातें की हुई हैं, ठीक है। लोकेटिंग एविडेंस क्या होता है इसका आप लोग कंसेप्ट देख लें। उसके बाद इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है। इसमें से MCQs बन रहा है एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस मे बी लुक्ड एट द थ्री थिंग्स, ठीक है। MCQs हो सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्चर ऑर्गेनाइजेस एविडेंसेस यूजिंग थ्योरेटिकल इनसाइट्स। ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस क्या होता है, उसके बाद सिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद है
जो पॉइंट्स इसमें हाईलाइट हैं जस्ट उन्हीं को तैयार करें, और उसके बाद राइटिंग का रिपोर्ट है, उसमें डाटा एंड एविडेंस इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है जी प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, ठीक है सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं, ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी में आ सकता है आपको डिफरेंस, और इसमें ये है रनिंग रिकॉर्ड क्या है, रिकलेक्शन किसको कहते हैं, इवेलुएटिंग द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स इन कंपैरेटिव रिसर्च। अच्छा ये इसमें से आपको एमसीक्यूज इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई भी किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम बताएंगे स्टेटमेंट में, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स कंपैरेटिव रिसर्च है या नहीं है। द यूनिट्स बीइंग कंपेयर्ड, यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए कि जिन यूनिट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इक्वलेंस, एथिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एथिकल प्रॉब्लम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है एच सी रिसर्च में इसमें क्या है उसको देख लें आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेसन है लेसन 42 फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसमें आप देखें पर्पस ऑफ एफजीडी क्या होता है, द पर्पस ऑफ एन एफजीडी होता क्या है, ठीक है उसको देख लें आप। फोकस ग्रुप डिस्कशन को बोलते हैं एफजीडी, ठीक है। फार्मा फोकस ग्रुप क्या होता है, इसमें से आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ फोकस ग्रुप स्टडी, ये किस तरह से डिज़ाइन की गई है, ठीक है उसके इसको आप देख लें। इसका इसमें से एमसीक्यूज एफजीडी का एमसीक्यूज बन रहा है कि एट वन एक्सट्रीम एफजीडी इज यूज्ड एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑफ द स्टडी मे हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कंडक्ट एफजीडी, इसमें किस तरह से हम कंडक्ट करते हैं, प्रिपरेशन क्या क्या है इसमें, इसके जस्ट पॉइंट्स आप लोग देख लें, ठीक है जस्ट पॉइंट आप लोग जहन में रखें, और अगर तो लॉन्ग में आ गया आपको तो आप पॉइंट्स को अपने जहन में रखें तो उसको अपने तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है क्योंकि टोटली कंसेप्चुअल होता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो। कंडक्टिंग द सेशन है उसमें फंक्शंस ऑफ द फैसिलिटेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी इंट्रोड्यूस द सेशन, इनकरेज इन्वॉल्वमेंट क्या है, अवॉइड बीइंग प्लेस्ड इन द रोल ऑफ द एक्सपर्ट एंड कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग बट अनअपोस्ट्रोवली। उसके बाद है टेक टाइम एट द एंड ऑफ द मीटिंग टू समराइज चेक फॉर द एग्रीमेंट एंड थैंक टू द पार्टिसिपेंट्स। स्टूडेंट बस यहीं तक थे हमारे 19 to 42 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं फाइनल टर्म के। तो जिस तरह से आप लोगों की मिड टर्म में कुछ स्टूडेंट्स का आ गया था तो ये तो लक पे डिपेंड करता है कि ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इसमें से वो कंसेप्चुअल ही पेपर देते हैं मोस्टली, ठीक है लेकिन बाई चांस हो सकता है कि किसी का पेपर हूबहू इस तरह से आ जाए। लेकिन मैं श्योरिटी देती हूँ आपको कि जिस तरह से मिड टर्म के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा हूबहू पेपर आया था इसमें से, उन्हीं के कहने पे मैंने ये दोबारा फाइनल के लिए वीडियो बनाई है। तो आई होप सो कि आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। पेपर देने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों का पेपर इसमें से आया है या नहीं आया है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह ताला और मेहनत करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।